Hey guys, welcome back to my YouTube channel. बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस्तांबुल से. और हम लोग आज बस एक घंटे पहले यहाँ पहुँचे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है. मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा दिन है. तो चलते हैं इस्तांबुल एक्सप्लोर करते हैं. चलिए हमारे साथ. तो निकल गए हैं हम लोग इस्तांबुल की गलियों में एक्सप्लोर करने के लिए. माइनस बैठा हुआ है आगे और ये भाई साहब हमें लेके जा रहे हैं सिटी सेंटर. तो हम लोग आ गए हैं बलाच. ये पूरा जो है पीछे ये है, इस जगह को कहते हैं बलाच. काफ़ी कलरफुल और प्रिटी है ये प्लेस. और इस जगह की वाइब को मैच करने के लिए मैंने भी कुछ कलरफुल ड्रेस पहना है. तो यहाँ पे सुंदर सुंदर पिक्चर्स क्लिक कराएंगे. ऐसा मैंने पढ़ा था कि इस्तांबुल का मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस है ये. तो इंस्टाग्राम के लिए सबसे पहले अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करेंगे, फिर देखते हैं यहाँ क्या क्या है. कुछ खाएंगे पियेंगे और एक्सप्लोर करेंगे. आइए आपको अपने साथ लेके चलती हूँ. चलिए बता रहे हैं कि ये राइस है यहाँ का. थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, पता नहीं. जो मैं समझ रही हूँ वो यही बताना चाह रहे हैं. दिस इज राइस. तो ये था खूबसूरत बलाच. बहुत ही कलरफुल आपको यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स सब बहुत कलरफुल दिखेंगे. तो पिक्चर्स के लिए तो मैं इसको बोलूँगी 10 out of 10. बहुत अच्छे कैफेज भी हैं यहाँ पे और एक बहुत अच्छा लाइवली मुझे यहाँ का पूरा वाइब लगा. तो जैसे हम अगर दिल्ली की बात करें तो सीपी एक जगह है, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, कनॉट प्लेस. तो उससे मिलता जुलता मुझे ये जगह लगा फ्रेंड्स के साथ चिल करने के लिए. वाइब अच्छी वाइब है यहाँ की और पिक्चर्स क्लिक करने के लिए मुझे लगता है बेस्ट जगह है. तो बस अब चलते हैं हम अपने अगले लोकेशन पे. तो हम लोग आ गए हैं ब्लू मॉस्क. ये मेरे बैक साइड पर आप देख सकते हैं, ये ब्लू मॉस्क है. और ये सारी यहाँ पे क्यों इतनी लंबी लगी हुई है, अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे करीब 4:30, तो दिन के 4:30 बज रहे हैं. तो यहाँ से नियर बाय है ग्रैंड बाज़ार और आगे सोफिया. तो हम अभी एक घंटे का टाइम लेंगे और यहाँ दोबारा आएंगे. तब तक ये क्यू भी क्लियर हो जाएगा और हम फ्रीली अच्छे से मॉस्क को, ब्लू मॉस्क को एक्सप्लोर कर पाएंगे. तब तक आप यहाँ से ही मॉस्क का सारा नज़ारा देख लीजिए. एंड यहाँ एंटर करने के लिए कंपलसरी है कि आपका हेड जो है वो कवर हो, ड्रेस जो प्रॉपर हो. लेंथ वाइज तो मेरी ड्रेस ठीक है लेकिन मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा अपने आप को कवर करने की ज़रूरत है. उसके लिए मैंने अपने पास एक स्कार्फ रखा है. जब मैं एंटर करूँगी उससे पहले मैं कवर करके जाऊँगी. चलिए नेक्स्ट लोकेशन पर चलते हैं. मिल रहा है भुट्टा जो कि है 25 टर्किश लीरा का. और ये क्या था? 65 है ये. और ये टेस्ट करके बताओ. ये टेस्ट करके बताओ ये कैसा है. और ये हमारा आएंगे तो
फॉर एवर फेवरेट भुट्टा जो कि 120 रुपीस का है, 75 रुपीस का है, 25 लीरा ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। अच्छा 75 रुपीस का है। इट्स गुड ना, वेरी नाइस। ये है ब्लू मॉस्क और इसके जस्ट ऑपोजिट आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है आगिया सोफिया। इसके साथ ही बहुत ही खूब इसके साथ ही बहुत सुंदर पार्क है और काफ़ी अच्छा सेटिंग अरेंजमेंट है यहाँ का। देखिए देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। वाओ karşıya geçecek ya. Hayır ya. So it was perfect. That's it. One bad thing. तो ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये है हागिया सोफिया मॉस्क और यहाँ लोकल भाषा में इसको आगिया सोफिया भी बोलते हैं। और ये मॉस्क यहाँ का हिस्टोरिक लैंडमार्क है, अगर आप टर्की जा रहे हैं तो ये आपके नंबर वन लिस्ट पर होना चाहिए हागिया सोफिया। और अगर आप इसी के अपोजिट दिखाएंगे दूसरी तरफ तो दूसरी तरफ है ब्लू मॉस्क। तो ये एक ही लेन में है तो अच्छी बात यह है कि जब भी आप कवर करते हो तो ब्लू मॉस्क आगिया सोफिया आप एक साथ ही आराम से कवर कर सकते हो। और ये इसकी क्यू है, आप एक बार क्यू भी दिखाइए कितनी लंबी क्यू है। और ये इतना लंबा क्यू है, अगर इसमें अगर आप एंटर भी करना चाहें तो कुछ भी है तो मिनिमम आपको एटलीस्ट 2 घंटे लग जाएंगे। तो हम वेट करते हैं और आगे चलते हैं। चलो व्हाट इज दिस माना, ये है सिमित। सिमित सिमित I'll take a little bit. Nee, first you try and let me know kaisa hai. It's like a bread. Honest review, please. This is a cheese, right? Sukha bread. Nutella bara hua. Sukha bread, Nutella bara hua. Yes or no? 50-50. अगर ज़्यादा लगी हुई है तो फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और इस्तांबुल में आपको जगह जगह टैप वाटर मिलेगा, आप अपना कोई भी बॉटल खाली रखें उसमें पानी भर लें, बिल्कुल सेफ होता है। इस तरह से आपको अननेसेसरी पानी हर जगह खरीदने की ज़रूरत नहीं है और आप पानी पी सकते हैं और बिल्कुल सेफ है ये। इस्तांबुल में चलते चलते ये देखिए हमें क्या दिखा है, ये है ट्रैम और आगे से भी एक ट्रैम आ रही है, ये ट्रैम स्टेशन है। तो इंडिया में जनरली ये हमें कोलकाता में मिलता है लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत सा शहर ये देखिए, और साथ साथ आपको ट्रैम मिलेगी और ट्रैम का यहाँ पे स्पीड जनरली बहुत अच्छा है और बहुत ही मॉडर्न ट्रैम्स हैं। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, जैसे ये एक ट्रैम आ रही है, और ये देखिए ये इस डायरेक्शन से एक दूसरी ट्रैम आती हुई, और क्या स्पीड है। सो गुड। और इस डायरेक्शन में आप वॉक करेंगे तो ये बहुत सारे लोकल सुवेनियर शॉप्स हैं और इसमें आपको All of Istanbul. Bracelets. For 50 Turkish lira and 350 rupees INR. These are good magnets. Ye dekho.
ये देखो जी पोस्टर्स हैं, पोस्टर्स हैं ये 20 टर्किश लीरा के हैं, 140 रुपीस का है। फ्रीडा वाला ये टर्किश इंडिया से डिफरेंट है। यहाँ पे एटीएम का सारा सेटअप, वहाँ पे केबिन होता है, एक रूम होता है, और यहाँ पे रोड साइड आपको ओपन में सारे मशीन्स लगे हुए हैं, कैमरा भी प्रॉपर लगा हुआ है। आप इस तरह से रोड साइड कैश विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे टी कोस्टर्स दिख रहे हैं जो कि सिर्फ 20 टर्किश लीरा के हैं, जो कि होता है करीब 140 रुपीज़। ये देखिए ट्रे 75 टर्किश लीरा, ये बड़े वाले ट्रे 100 टर्किश लीरा यानी 300 रुपीस के हो गए, और ये सारे 30 टर्किश लीरा के बैग्स हैं। ये फ्रिज मैग्नेट्स हैं 25 टर्किश लीरा के। ये है ग्रैंड बाजार, ये है ग्रैंड बाजार, और यहाँ पे आपको ज़रूरत की सारी अच्छी और फैंसी चीज़ें मिलेंगी। और इस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए आपको कम से कम 2-2.5 घंटे चाहिए। ब्लू मॉस्क से ये करीब 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। यहाँ पे ट्रैम भी आती है और वॉकेबल है, आप वॉक करके भी आ सकते हैं। ग्रैंड बाज़ार का मैंने एक सेपरेट व्लॉग बनाया है जो इस वीडियो के बाद आएगा। तो इस मार्केट को हमने अच्छे से एक्सप्लोर यहाँ पे कर लिया, और इसके साथ ही मैं अपना ये इस्तांबुल का 24 आवर्स का जो वीडियो था ख़त्म करती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट टाइम।